Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश से अपनी जान बचाकर भारत आई शेख हसीना इन दिनों गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में मौजूद है। आनंद फानंद में वहां से भागकर आने की वजह से वो अपने साथ बहुत कुछ लेकर नहीं आ सकी, और ऐसे में बताया जा रहा कि उन्होंने हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से शॉपिंग की है। शेख हसीना ने अपनी बहन और अपने लिए वहां से कपड़ों की खरीदारी की। बताया जा रहा कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम ने कुल 30,000 रुपए की शॉपिंग की है। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना ने पेमेंट इंडियन करेंसी में किया, लेकिन उनके पास शायद नोट कम पड़ गए थे। ऐसे में उन्होंने भारतीय नोट की जगह बांग्लादेशी नोटों को दिया और पेमेंट को पूरा किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश से निकलते वक्त शेख हसीना 4 सूटकेस और 2 बैग लेकर निकली थी, जिसमें सिर्फ जरूरत के सामान मौजूद थे। बांग्लादेश में हिंसा के बाद शेख हसीना ने देश तो छोड़ दिया, मगर लोग अभी भी शांत नहीं हुए हैं। पीएम हाउस में घुसकर जो उत्पात वहां लोगों ने मचाया था, वो पूरी दुनिया ने देखा। सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि शेख हसीना के साथ भारत पहुंची टीम पूरी तरह से परेशान थी, क्योंकि उन्हें पीएम हाउस में घुस चुकी भीड़ से बचने के लिए जल्दबाजी में बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। सूत्रों ने बताया कि बांग्लादेशी दल के साथ तैनात प्रोटोकॉल कार्यालय के सदस्यों ने उन्हें कपड़े और दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदने में मदद की। सूत्रों के मुताबिक भारत ने शेख हसीना को किसी अन्य देश में शरण मिलने तक रहने की अनुमति दी है। वहीं भारतीय सुरक्षा कर्मी और प्रोटोकॉल अधिकारी बांग्लादेश दल के सदस्यों को तनाव और सदमे से उबरने में मदद कर रहे हैं। शेख हसीना को बांग्लादेश की सेना ने देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया था। फिलहाल बांग्लादेश में कई दिनों की अशांति और राजनीतिक उथल पुथल के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने देश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। वहीं पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई दी और बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश में वापस से माहौल सामान्य कब तक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।